सबसे पहले तो हम चाशनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पर। इसमें डाल दिया है 1 कटोरी पानी और साथ ही में डाल देंगे हम 2 कटोरी चीनी, और मेरे पास पुरानी चाशनी भी है तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं। और इस चाशनी में इलायची पाउडर डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर इलायची पाउडर या इलायची नहीं डालूँगी चाशनी के अंदर। और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से मेल्ट हो गया है। और हमें चिपचिपा सा चाशनी बनाना है, कोई तार वाला चाशनी नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर चाशनी बनके रेडी हो गया है, हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब चलिए गुलाब जामुन के पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन रख दिया है गैस पर, और आधा गिलास दूध डाल दिया है पैन के अंदर। और साथ ही में हम ऐड करेंगे चावल के आटा, मैंने 1 कटोरी चावल के आटा लिया है, और मिक्स कर देंगे दूध के अंदर। और गैस को मीडियम फ्लेम पर करके ही इसे हम अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ठीक हो गया है, और ये जब पक जाएगा तो पैन खुद ही छोड़ देगा ये। और देखिए ये काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुका है, और यहाँ पर देखिए पैन छोड़ दिया है, और ये एकदम से पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। चावल को आटा को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे चकले के ऊपर, और हम मसल लेंगे 2 मिनट के लिए। हाथों में ऑयल लगा लिया है अच्छा से, और उसके बाद हम मसलेंगे, और जितना अच्छा मसलेंगे उतना ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेगा, स्पंज भी बनेगा बहुत अच्छा। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम फटा हुआ दूध का छेना है ये, इसे ही हम डाल देते हैं, और अच्छे से हम मसल लेंगे मिक्स करके आटे के अंदर। और हम और 2 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे, क्योंकि हमें एकदम स्पंज सा गुलाब जामुन बनाना है। और बहुत सामान का हम कम यूज किया है, सामान बिल्कुल कम लिया है, सिर्फ 2 ही चीज़ लिया है, चावल के आटा और फटे हुए दूध के छेना। और यहाँ पर हम 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, बस हो गया, इससे ज़्यादा हम सामान नहीं डालेंगे कुछ भी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये डो में आ गया है, बहुत अच्छा से ये सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये डो बन के रेडी हो गया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब चलिए गुलाब जामुन का शेप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने छोटे छोटे बॉल्स निकाला है, आप चाहे तो बड़ा या छोटा अपने हिसाब से गुलाब जामुन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेंडर शेप दिया है, गुलाब जामुन सिलेंडर शेप का बनाया है, आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं गुलाब जामुन। देखिए इस तरीके से हाथों से दबाते हुए बना लेंगे, और ऐसे ही मैंने सारे बना के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन रख दिया है गैस पर, और ऑयल डाल दिया था पहले से ही, ऑयल गर्म हो गया है। और ऑयल गर्म हो गया तो यहाँ पर हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, तभी डालेंगे इसके अंदर, और जितना स्पेस होगा पैन के अंदर उतना हम गुलाब जामुन को हम डाल देंगे। और देखिए ऐसे ही हिला देंगे, अभी हम चम्मच से नहीं टच करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर हो गया है, चम्मच से हम पलट लेते हैं, और देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का ये सेप फ्राई हो चुका है बहुत बढ़िया, अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई कर लिया है गुलाब जामुन, और इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और चलिए सेकेंड वेस उसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर गरम गरम चाशनी है, उसके अंदर हम डाल देते हैं। और चम्मच से हम नीचे की ओर दबा देंगे गुलाब जामुन को। और सेकेंड वेज भी फ्राई हो चुका है, उसे भी हम डाल देते हैं, और अच्छे से हम चम्मच की मदद से दबा देंगे, और इसे हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। यहाँ पर 1 घंटा बीत चुका है, अब हम गुलाब जामुन को चेक कर लेते हैं, और देखिए कितना स्पंज बना है और साइज में कितना बड़ा हो गया है गुलाब जामुन। और यहाँ पर हम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद आपको कट करके दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है। और एक कट करके आपको दिखा देती हूँ, और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये चावल के आटा का गुलाब जामुन बना है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी है और ये बहुत स्पंजी बनता है गुलाब जामुन। और देखिए इसके अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया है, एकदम जालीदार बना है गुलाब जामुन, आप देख सकते हैं इसके अंदर का टेक्सचर। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।